नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? जहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सबको अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाहकर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मित्रों, इस समय मैं रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि हमारे यहां गोरखा रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट समय समय पर बराबर अपने शौर्य और पराक्रम का उसने परिचय दिया है और उस गोरखा रेजिमेंट का भी उद्घोष है, जय महाकाली आयोरी गोरखाली, यह उसका उद्घोष है। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है, यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपु लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठकर निकालेंगे।